नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी संघर्ष चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। छातापुर में बाइक की डिक्की तोड़ उचक्के ने उड़ाए 1,00,000 रुपए। छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक चौक के समीप स्टेट हाईवे किनारे लगी एक बाइक की डिक्की से उचक्के ने 1,00,000 रुपए उड़ाकर भागने में सफल रहे, जबकि घटना के बाद पीड़ित बाइक चालक घिवहा के वार्ड नंबर 3 निवासी मनीष कुमार यादव रोते बिलखते दिखे। उन्होंने लोगों को बताया कि अति आवश्यक कार्य के निमित्त वे 1,00,000 रुपए बैंक से निकासी कर घर जा रहे थे। इसी दौरान खरीदारी करने के निमित्त उन्होंने ब्लॉक चौक पर बाइक खड़ी कर किनारे की दुकान में खरीदारी करने लगे। इतने में उचक्के ने उनके डिक्की से रुपए निकाल भाग गए। लोगों ने घटना की सूचना छातापुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित से आवश्यक जानकारी लेकर पड़ताल में जुटी। पीड़ित मनीष कुमार यादव ने बताया कि वे छातापुर के बैंक से रुपए निकासी कर अपने घर आवश्यक कार्य हेतु रुपए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान घरेलू किराने के सामान की खरीदारी के लिए उन्होंने छातापुर के ब्लॉक चौक पर शाम के समय स्टेट हाईवे 91 के एक किराने की दुकान पर गए। वहां सामान की खरीदारी करने में जुटे, जब सामान खरीदकर 15 मिनट बाद बाइक वाली स्थान पर पहुंचे तो उनकी बाइक की डिक्की खुली हुई स्थिति में थी। इतना ही नहीं, डिक्की में रखी 1,00,000 रुपए भी गायब थे। तब उन्होंने डिक्की से उचक्के द्वारा 1,00,000 रुपए उड़ा ले जाने की पुष्टि हुई। तब वे तहाड़ मार कर वहीं रोने लगे। हालांकि स्थानीय लोग पीड़ित मनीष को दिलासा देते दिखे, वहीं पुलिस जल्द उचक्के को पकड़ने की बात कही है। कानूनी संघ न्यूज के लिए छातापुर से संजय कुमार भगत की रिपोर्ट।